देवास जिले के खातेगांव तहसील की सिरोलिया में कांग्रेस पदाधिकारियों पर लगाए गए झूठे प्रकरण वापस लेने की मांग को लेकर खातेगांव में एसडीएम संतोष तिवारी को कलेक्टर चंद्रमौली शुक्ला के नाम कांग्रेसियों ने ज्ञापन सौंपा है। देवास के बारोठा ब्लॉक के सिरोलिया में कोविड-19 को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन में पश्चात ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष पर हुए झूठे प्रकरण दर्ज को वापस लेने की मांग को लेकर मंगलवार को खातेगांव में जिला कांग्रेस अध्यक्ष अशोक पटेल के निर्देश पर ब्लॉक कांग्रेस और नगर कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने एसडीएम संतोष तिवारी को कलेक्टर चंद्रमौली शुक्ला के नाम ज्ञापन सौंप कर प्रकरण वापस लेने की मांग की गई है। ज्ञापन में बताया कि प्रदेश की भाजपा सरकार के इशारे पर कांग्रेस पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं पर झूठे प्रकरण लगाकर हाट पिपलिया चुनाव में हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। खातेगांव से सादिक खान की रिपोर्ट। कोविड को लेकर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया था, उसी कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा हमारे संगठन के दो ब्लॉक अध्यक्षों के विरुद्ध व्यस्तापूर्वक कार्रवाई करते हुए प्रकरण दर्ज किया गया। उसी कड़ी में हम माननीय जिलाधीश महोदय को एक ज्ञापन, माननीय एसडीएम महोदय खातेगांव को द्वारा प्रेषित करने के लिए कांग्रेस परिवार के सभी लोग यहां उपस्थित हुए हैं। जिस प्रकार की हम देख रहे हैं, हमारे जिले में हाट पिपलिया विधानसभा क्षेत्र में जाके उपचुनाव होना है, वह भारतीय जनता पार्टी के लोगों द्वारा निरंतर एक के बाद एक कोविड की अनदेखी करते हुए भीड़ जुटा कर कार्य किए जा रहे हैं। उनके खिलाफ आज दिनांक तक कोई भी प्रकरण दर्ज नहीं किया गया, किंतु द्वेषतापूर्ण कांग्रेस के द्वारा एक प्रोग्राम किया गया जिसमें कोविड के प्रति जागरूक करने के निर्देश दिए गए थे, उसको लेकर भी हमारे दो ब्लॉक अध्यक्षों के खिलाफ प्रशासन द्वारा FIR दर्ज की गई है। कांग्रेस परिवार खातेगांव के द्वारा उसी के विरोध में माननीय SDM महोदय को एक ज्ञापन प्रेषित किया जा रहा है। श्रीमान कलेक्टर महोदय देवास जिला देवास महोदय, खातेगांव नगर कांग्रेस कमेटी एवं सदस्य सुनील यादव एवं खातेगांव ब्लॉक कांग्रेस की ओर से ज्ञापन प्रस्तुत कर निवेदन है कि मध्य प्रदेश राज्य में भाजपा की सरकार होने से भाजपा के दबाव में चौकपुर्द के ब्लॉक अध्यक्ष भरत पटेल एवं बरोठा के ब्लॉक अध्यक्ष बाबूलाल चौधरी पर प्रशासन द्वारा व्यवस्थापूर्ण तरीके से मुकदमा दर्ज किया गया, जबकि भाजपा के हाट पिपलिया विधानसभा के सभी पदाधिकारी संभावित उम्मीदवार के द्वारा भूमि पूजन के कार्यक्रम में अत्यधिक भीड़ होने के बावजूद भी मामला दर्ज नहीं होता है, जबकि कांग्रेस के कार्यक्रम में सोशल डिस्टेंसिंग होने के बावजूद भी कांग्रेस के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं पर दबाव बनाया जाता है। भाजपा के शासन में हाट पिपलिया के कांग्रेस के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं पर 1,000 रुपये कार्रवाई की गई है। यदि शासन प्रशासन ने दोनों ब्लॉक अध्यक्षों पर दर्ज मामला वापस नहीं लिया गया तो संपूर्ण प्रदेश व जिलों में कांग्रेस पार्टी के द्वारा विरोध प्रदर्शन धरना आंदोलन किया जाएगा, जिसकी संपूर्ण जवाबदारी शासन और प्रशासन की रहेगी। यही विनय कोटपुर्दी के भरत पटेल और बरोठा ब्लॉक के बाबूलाल चौधरी पर प्रशासन द्वारा व्यवस्थापूर्वक जो प्रकरण दर्ज किया गया उस प्रकरण को वापस लेने के लिए और हाट पिपलिया में भाजपा के द्वारा बड़े बड़े आयोजन करने के बाद भी उनके ऊपर कोई प्रकरण दर्ज नहीं किया जाता है, उनको किसी प्रकार की मनाही नहीं की जाती है, जिसको लेकर आज ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अजनास के द्वारा भी माननीय SDM महोदय को राज्यपाल महोदय महामहिम राज्यपाल महोदय के नाम एक ज्ञापन दिया गया है और उसमें हमने मांग की है कि जैसा व्यवहार कांग्रेसियों के साथ होता है वही व्यवहार भाजपाइयों के साथ भी हो, अगर छूट दी जाती है तो हमें भी दी जाए, छूट दी जाती है तो उन्हें भी दी जाए, समान व्यवहार समान न्याय के लिए लेकर हमने आगे ज्ञापन दिया। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।